कांग्रेस विधायक दल की बैठक है आज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाएगी कांग्रेस। बता दें आपको कि 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है हरियाणा का, उसी को लेकर कांग्रेस की तैयारी भी तेज। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कयादत में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी आज चंडीगढ़ में। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करेगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है चंडीगढ़ में, 20 फरवरी को बजट सत्र है, उसी से पहले कांग्रेस की तैयारी तेज है। तफसील से बताइए अनिल, किस वक्त होगी ये बैठक? देखिए, आज हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। दोपहर बाद 3 बजे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। कांग्रेस के तमाम विधायक, जिनमें डिप्टी सीएलपी आफताब अहमद, गीता भुक्कल, बीबी बत्रा, पूर्व सीनियर विधायक रघुवीर कादियान, सभी जो तमाम विधायक है इस बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो सरकार है उनका ये आखिरी बजट है। इस बजट सत्र में कहीं ना कहीं विपक्ष की कोशिश रहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले एक जो मजबूत विपक्ष की जो उपस्थिति दर्ज करानी होती है वो उपस्थिति दर्ज कराई जाए। इसी को लेकर आज जो बैठक होनी है, मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी कि कांग्रेस को किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है। सहकारिता विभाग में जो एक बड़ा घोटाला सामने आया है, विपक्ष का कहना है कि 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, इस मुद्दे पर जो कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी, क्योंकि जो सहकारिता विभाग है कहीं ना कहीं इस डिपार्टमेंट का सीधा सीधा वास्ता किसानों से पड़ता रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेगी। इसके अलावा रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा जाएगा। सरकार दावा करती है कि प्रदेश में अगर पहले की सरकारों के अगर मुकाबले देखें तो पहले की सरकारों के मुकाबले इस सरकार ने ज़्यादा रोजगार दिया, लेकिन विपक्ष का कहना होता है कि जो प्रदेश है, प्रदेश में बेरोजगारी पहले के मुकाबले ज़्यादा है। तो ऐसे में रोजगार के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, किसानों के मुद्दे हो, महंगाई के मुद्दे हो, सारे के सारे मुद्दे ऐसे जिन मुद्दे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। ईडी का मुद्दा भी सदन में उठ सकता है। ईडी के मुद्दे पर पिछले दिनों आपने जिस तरीके से देखा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 2 बार ईडी ने पूछताछ करी, लगातार विपक्ष कहता रहता है कि जो केंद्र सरकार है ईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल करते। तो ऐसे में ईडी के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम किया जा सकता है। अनिल, किस वक्त ये बैठक शुरू होने वाली है? देखिए, जो बैठक का समय है 3 बजे का रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक होगी। बैठक में ही तो क्योंकि बजट सत्र से पहले रणनीति बनानी है, इस बजट सत्र की ये जो रणनीति की बैठक है, इस बैठक में जो तमाम विधायक बैठक में पहुंचेंगे, लेकिन इस बात में हमें देखना होगा कि क्या कांग्रेस विधायक किरण चौधरी इस बैठक में आते हैं। अमूमन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जो ज़्यादा बैठकें होती है उन बैठकों में ज़्यादातर किरण चौधरी दूरी बनाती है कि आज की बैठक में वो आती है। एस आर के गुट के समर्थित जितने विधायक है वो इस बैठक में पहुंचते हैं, वो देखने वाली रहने वाली है। शुक्रिया अनिल, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।